पहले ट्रेड वॉर, फिर कोरोना और अब परमाणु विस्फोट। अमेरिका और चीन के बीच तनातनी और बढ़ने के आसार हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने बुधवार को एक खबर के हवाले से कहा कि चीन ने गोपनीय तरीके से भूमिगत परमाणु परीक्षण किया है, भले ही वो दावा करता है कि ऐसे विस्फोट के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध के समझौते का पालन करता है। दूसरी तरफ बीजिंग ने ऐसे किसी परमाणु परीक्षण से इनकार किया है। उसने अमेरिका के आरोप को गैर जिम्मेदाराना और गलत इरादे से दिया गया बयान करार दिया। दरअसल स्ट्रीट जर्नल में चीन की ओर से परमाणु परीक्षण करने की खबर सबसे पहले छपी थी। इसमें जीरो यील्ड के विस्फोट की बात थी, यानी ऐसा विस्फोट जिसमें एक के बाद एक सिलसिलेवार विस्फोट नहीं होता। चीन ने आरोपों को खारिज करने के बाद अमेरिका की नीयत पर सवाल उठाया है। दरअसल अमेरिका ने कहा है कि वो जरूरत पड़ने पर दोबारा भूमिगत परीक्षण शुरू कर सकती है। चीन ने इस बयान को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सतर्क किया है, वहीं अमेरिका से भी अपने रुख बदलने की अपील की है।